प्रकार से आप किसी वृक्ष के जड़ में जल डालते हैं तो वह जड़ में डला हुआ जल जो है वह वृक्ष के पत्ते तक पहुंच जाता है। और अगर आप ऊपर से ही सिर्फ जल का छिड़काव करते हैं तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और जल के अभाव में वृक्ष सूख जाता है। मतलब सही स्थान पर जल डालोगे तो लाभ होगा। इसी प्रकार से हमारे शरीर में कुछ ऐसे विशेष स्थान होते हैं जहाँ पर आप लगाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि यदि हम शरीर के इन चार स्थानों पर तेल लगाते हैं तो उससे हमारा शरीर खुद अपनी बीमारियों को स्वतः ठीक करने लग जाता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और कोई खर्चा भी नहीं आता, बल्कि आपके शरीर को लाभ प्राप्त होता है और आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो आइए ये जानते हैं कि आखिर वह कौन सी चार जगह है जहाँ पर हमें तेल लगानी चाहिए और हमें किस तरह का तेल लगानी चाहिए और किस समय पर लगानी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आप सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो को पूरा अवश्य ही देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। एक बार की बात है, एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह अपने शिष्य से कह रहे थे कि बेटा, क्या आपको पता है कि हमारा शरीर किस चीज़ से बना है? और हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है। इन पांच तत्वों में प्रोटीन, विटामिन, यह सभी चीज़ें आती हैं। और हमारे शरीर में तीन दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ दोष। और हमारी हर बीमारी जड़ है वह यह तीन दोष ही हैं, क्योंकि अगर हमारे शरीर में वात बिगड़ता है तो 60% बीमारियाँ आती हैं, और अगर पित्त बिगड़ता है तो 15 से 20% बीमारियाँ आती हैं, और अगर हमारा कफ बिगड़ता है तो हमारे शरीर में 5 से 10% बीमारियाँ आती हैं। यह तीनों दोष हमारे शरीर में पाए जाते हैं। जब आपकी बाल्यावस्था रहती है, तो बाल्यावस्था यानी जब आप जन्म लेते हैं, तब से लेकर 14 वर्ष की उम्र तक का जो समय रहता है, इसमें कफ प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इस समय हमारे शरीर में कफ ज़्यादा बनता है। प्रकृति की देन है और यह कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। इस समय कफ बनना बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन हमें इस पर ध्यान देना है कि हमारा जो कफ है वह संतुलित रहे, वह ज़्यादा ना बढ़े। अब छोटे बच्चों को तो इस बात का पता नहीं रहता है, लेकिन उनके माता-पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चों को ऐसा आहार ना दें जिनसे उनका कफ बिगड़ जाए, क्योंकि अगर कफ बिगड़ गया तो उन्हें टीबी, दमा जैसे भयंकर बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके बाद युवा अवस्था आती है। युवा अवस्था 15 से 60 साल तक बनी रहती है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवेश सबसे ज़्यादा होता है, यानी इस समय हमारे शरीर में पित्त बनता है। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे पित्त बिगड़ जाए, क्योंकि अगर पित्त बढ़ गया तो हमारे शरीर में 15 से 20% बीमारियां आ सकती हैं।
इसके बाद आती है वृद्धावस्था, यह 60 से ऊपर की उम्र की होती समय है। हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा वात बिगड़ जाता है और वात बढ़ने की वजह से 60 से 70% बीमारियाँ हमारे शरीर में आ जाती हैं। 5 तत्व और 3 दोषों में जब भी कोई कमी आती है तभी हमारा शरीर बीमार पड़ता है, अन्यथा हमारा शरीर बीमार नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें यह कष्ट दे दिया, वह कष्ट दे दिया, इतनी गंभीर बीमारियां दे दिया, टीवी दे दिया, कैंसर दे दिया, थायराइड दे दिया, लेकिन यह सारी ही बीमारियां इंसान स्वयं ही पालता है। और क्योंकि हमारी प्रकृति तो यह कहती है कि आप प्रकृति से प्राप्त भोजन पदार्थ खाएं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन ऐसी चीज़ें खा लेते हैं। आयुर्वेद कहता है कि आप पानी पीने का सही तरीका अपनाएं, लेकिन नहीं, आपको तो फ्रिज का पानी पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है। अगर आप प्रकृति के नियमों के हिसाब से नहीं चलेंगे, आयुर्वेद के नियमों को नहीं अपनाएंगे, तो आपका शरीर तो बीमार होगा ही, इसमें भगवान क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आयुर्वेद के नियमों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर देते हैं तो जीवन भर आपका शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। फिर गुरु उनसे कहते हैं कि बच्चों, आज मैं तुम्हें 4 ऐसे अंग बताऊंगा जहां पर तेल लगाने से आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी और इससे आपके 3 दोष भी संतुलित रहेंगे और आपके शरीर में कभी भी 5 तत्वों की कमी नहीं आएगी। बच्चों, जो 4 अंग हैं उनमें से सबसे पहला है आपकी नाभि, दूसरा है आपके पैर के तलवे, तीसरा है आपका नासिक और चौथा अंग है आपका सिर। यह 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं और इन 4 अंगों पर आपको तेल लगाना है। लेकिन आपको यह बात का ध्यान रखना है कि कब और कैसे तेल लगाना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं नाभि के बारे में। बच्चों, यह आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि यह आपकी 72,000 नाड़ियों का केंद्र है। यह एक ऐसा केंद्र है जो सबसे अधिक नाड़ियों से जुड़ा हुआ है। यह जो आपकी नाभि है वो आपके पूरे शरीर से संबंधित है। जब आप नाभि में तेल का प्रयोग करते हैं तो उससे पूरे शरीर की नाड़ियां प्रभावित होती हैं, पूरे शरीर में ठीक प्रकार से ऊर्जा का संचार होता है और भी ऊर्जावान और जवान महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तब वह बहुत ही छोटा होता है तो उसके माता पिता उससे उसके पूरे शरीर पर तेल की मालिश करते हैं, क्योंकि उस समय शरीर पर तेल की मालिश करने से हड्डियां मजबूत होती हैं। इसीलिए आपको भी नाभि में तेल लगाना है और आपको शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। किसी भी कंपनी का तेल आपको नहीं लेना है क्योंकि वह शुद्ध नहीं रहता है, उसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल होते हैं जो आपको नुकसान कर सकता है। कि जो शुद्ध सरसों का तेल होता है वह थोड़ा गाढ़ा होता है और जो थोड़ा बहुत गंदा भी होता है, लेकिन जो तेल आप बाजार से खरीदते हैं वह बिल्कुल साफ दिखाई देता है क्योंकि उस तेल में केमिकल डाले जाते हैं जिससे वह तेल साफ हो जाता है। इसीलिए आपको सरसों के बीज खरीदने हैं और अपने आंखों के सामने उनका तेल निकलवाना है, फिर उसी तेल का प्रयोग करना है और रात को सोने समय आप
आपको अपनी नाभि पर तेल को लगाना है। नाभि में तेल लगाने का सबसे पहला लाभ यह है कि जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो इससे आपकी जठर अग्नि बढ़ती है। जठर अग्नि बढ़ने से आपके पाचन क्रिया बढ़ जाती है और अच्छे से कार्य करती है। लेकिन जब आपकी जठर अग्नि मंद हो जाती है तो आप जो भी भोजन करते हैं उसका पाचन सही ढंग से नहीं हो पाता है और वह आपके शरीर में लग नहीं पाता है, फिर वह भोजन पेट में सड़ने लगता है। तो नाभि में तेल लगाने से वह जठर अग्नि जो है वह बढ़नी शुरू हो जाती है और भोजन आपके शरीर को ठीक प्रकार से लगता है। और जब भोजन ठीक प्रकार से पचता है तो उससे जो पाचक रस निकलते हैं वह भी ठीक प्रकार से निकलते हैं और आपके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, जिससे शरीर के विभिन्न भागों पर पूरे शरीर पर उसका प्रभाव होता है। नाभि में तेल लगाने का दूसरा फायदा यह है, आपकी अपान वायु संचालित होती है। अपान वायु नाभि के नीचे के क्षेत्र में कार्य करने वाली वायु होती है और यह जो वायु है यह मलों के निकास से संबंधित है, यानी कि यह आपके शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का कार्य करती हैं। तो जिन लोगों को कब्ज की परेशानी रहती है, ठीक प्रकार से मल निकास नहीं होता है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। और मासिक चक्र में जो महिलाओं को अधिक वेदना होती हैं उसमें भी यह बहुत ही उपयोगी है। और मूत्र विकार, यूरिन से संबंधित कोई भी समस्या अगर आपको है या फिर किसी व्यक्ति को रहती है तो उसके लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो यह अपान वायु को संतुलित करता है, जिससे विभिन्न प्रकार के फायदे मिलते हैं। नाभि में तेल लगाने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे हमारी त्वचा अच्छी रहती है, त्वचा पर ग्लो आता है। आपने सुना होगा कि जब हमारे होठ फटते हैं तो हमारे दादा परदादा यह कहते हैं कि नाभि में तेल लगा लो, ठीक हो जाएंगे। और हाँ, ऐसा होता भी है, नाभि में तेल लगाने से कभी होठ नहीं फटते हैं, स्किन की ड्राइनेस खत्म हो जाती है, चेहरे पर चमक आती है, झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, जब यह रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, तो इनमें प्राण का संचार ठीक ढंग से नहीं होता है। जब इनमें प्राण का संचार ठीक ढंग से नहीं होता है, जिससे आपको आलस आने लगता है, ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है और आपका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर पाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह 72,000 नाड़ियों जो हैं यह सीधे आपके दिमाग से संबंधित है। और जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो यह नाड़ियाँ खुल जाती हैं, इसमें प्राण का संचार ठीक होता है और शरीर ऊर्जावान बनता है, मस्तिष्क बहुत ही अच्छे से कार्य करता है। दूसरा स्थान है आपके पैर के तलवे। सारी नसें पैरों के तलवे से जुड़ी होती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक करते हैं नंगे पांव जमीन पर या हरी घास पर चलते हैं तो उनकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती है। और पैर के तलवे पर यही शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जब आप सोने जाएं तो आपको सबसे पहले अपने पैरों को गुनगुने पानी से धो लेना है, पैरों को अच्छे से पोंछ लेना है। पैर पोंछने के बाद जब आपके पैर एकदम सूख जाएं तब आपको एक कटोरी में सरसों का तेल लेना है और उसे अपने पैर के तलवे पर लगाना है। इसके बाद अगर आपको घर में कांसे की कटोरी है इसके बाद अगर आपके घर में कांसे की कटोरी है तो उसे अपने पैरों पे मालिश करना है, क्योंकि कांसे के बर्तन से शरीर में जितना भी विषाक्त होता है
वह बाहर आ जाता है। कांसे के बर्तन से जब हम पैरों के घर्षण करते हैं तो आपके पैर थोड़े काले होने शुरू हो जाते हैं। इससे शरीर में विषाक्त कम होता है। पैर के तलवे कम काले होते हैं उसके शरीर में विषाक्त कम होता है, और जिनके पैरों के तलवे ज़्यादा काले होते हैं उनके शरीर में विषाक्त ज़्यादा रहती है। अगर आपके घर में आपकी माता हैं, आपकी पत्नी हैं, तो आप उनसे अपने पैरों के तलवे की अच्छी मालिश करवाएं, और अगर नहीं है तो स्वयं ही मालिश करें। जब आप 5 मिनट तक अपने पैरों के तलवे की मालिश करते हैं तो आपको तुरंत नींद आनी शुरू हो जाती है। जो लोग सोने के लिए नींद की दवाइयां का प्रयोग करते हैं, जिनको चिंता रहता है, डिप्रेशन रहता है जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती है, जिनकी याददाश्त कमज़ोर होती है, दिमाग से संबंधित कोई भी परेशानी है, तो वह यह सब खत्म हो जाती है। जब आप सोएंगे तो सीधा 4 बजे आपकी आंखें खुलेंगी, आपको गहरी और अच्छी नींद आएगी, आपके चिंता डिप्रेशन सब खत्म हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि तीसरा अंग कौन, जहाँ पर हमें तेल लगाना है, वो है हमारा सिर। सिर सर्दियों के मौसम में जब आप शाम को नहीं नहाते हैं, लेकिन आप गर्मियों के मौसम में शाम को अवश्य नहाते हैं, तो नहाने के बाद अपने बालों को अच्छे से सुखा के इनके पानी को अच्छे से पोंछ लें। पानी नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद आपको अपने सिर में वही शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। आप जो यह विभिन्न प्रकार के तेल लगाते हैं यह केमिकल से भरे होते हैं। आजकल कंपनियां विज्ञापन दिखाकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन यह सारे के सारे तेल जो हैं वह केमिकल से भरे होते हैं। इनसे हमारे बालों को बहुत नुकसान होता है, इसीलिए आपको शुद्ध सरसों का तेल सिर में लगाना है। इसकी अच्छे से मालिश करनी है, इससे आपकी थकान दूर होगी और आपको अच्छी और गहरी नींद आएगी। सोते समय सिर में तेल लगाने से बहुत ही फायदे होते हैं। इससे आपके बाल मजबूत होंगे, आपके बाल काले व घने होंगे, आपको नींद अच्छी व गहरी आएगी, आपकी याददाश्त, आपके दिमाग की शक्ति मजबूत होगी, शरीर में शक्ति का संचार होगा, आपको कभी भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप बालों को के जड़ में तेल लगाते हैं तो इससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचती है, न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं, और वह अंग स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। इसके बाद गुरु उसी बच्चों को कहते हैं कि हमारे शरीर का आखिरी अंग जहाँ पर हमें तेल लगानी चाहिए वह है हमारी नासिका। नासिक अपने सिर तक, नासिक आपके सिर तक पहुँचने का मार्ग है। इससे हमारा दिमाग प्रभावित होता है। बच्चों अगर आपको शुद्ध देसी गाय की घी मिल जाए तो आप तेल की जगह घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको रात को सोते समय शुद्ध देसी के गाय की घी एक एक बूंद अपने दोनों ही नाक में डाल लेनी है। नाक में घी डालने के इतने अद्भुत फायदे हैं कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। अगर किसी के अंदर पागलपन है, 2-3-4 महीने के अंदर ही उसका पागलपन खत्म हो जाएगा। यदि किसी के कान के पर्दे में छेद है तो वह भी बिना ऑपरेशन के 3-4 महीने में ठीक हो जाएगा। नाक में जितनी भी प्रकार की एलर्जी है, जैसे बार बार छींक का आना, नाक में खुजली चलना, नाक बंद हो जाना, यह सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आंखों की रोशनी बढ़ेगी, मानसिक समस्या खत्म हो जाएगी, बाल काले हो जाएंगे। इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों अगर आप अपने शरीर के इन चारों अंगों पर नियमित रूप से सरसों का तेल लगाते हैं
तो इससे आपके शरीर में जितनी भी विषाक्त है वह बाहर आ जाती है और आपका शरीर कभी भी बीमार नहीं होता। आप हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।